हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। तुर्किश लीग का मैच हो रहा है कॉनयास्पोर वर्सेस इस्तांबुल के बीच 4 बजे, एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो KON एंड IBKS का जो मैच है बड़ा रिस्की है, तो मैंने लिखा था कि अपने चैनल पर कि इसको मत खेलना, इसको स्किप करना। तो इसके बाद जितने मैच है भाई, मैं मैक्सिमम सारे ही कवर कर रहा हूँ 1:15 बजे तक। और इस बीच में 2 जैकपॉट मैच भी हैं, एक मैच जो कि बार्सिलोना का है, एक मैच जो इंटर मिलन का है, उसके बाद 11 बजे वाला मैच भी बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छे मैच हैं आज, बहुत अच्छे, सो डोंट मिस एनी अपकमिंग मैच, मैं तो ये आपको राय दूंगा। बाकी इस मैच की बात करें, थोड़ा रिस्की है बट कोई बात नहीं, जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं वो ज़रूर खेलेंगे। तो KON एंड IBKS में वी हैव टू फेवर बोथ टीम्स, दोनों का प्रदर्शन लास्ट सीज़न बहुत ज़्यादा एवरेज था, बराबर था, मतलब एक टीम को आप ज़्यादा आगे नहीं आंक सकते, एक टीम को हल्का नहीं आंक सकते, ये प्रदर्शन था। और टेलीग्राम चैनल एक बार फिर बता दूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट करो ज्वाइन, डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। तो आगे चलते, तो स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन में मैं लूँगा के प्याटक को। के प्याटक इज़ अ ग्रेट प्लेयर, तब तक अगर ये खेल रहा है, मैं कहता हूँ अगर ये प्लेइंग 11 में भी है तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको देखना चाहता हूँ प्लेइंग 11 में, क्योंकि प्रीवियस मैच के अंदर ये एज अ सब्स्टिट्यूट आया था, तो अगर खेलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि पिछले मैच में इनका जुआव फिग्रेडो खेला था, फिग्रेडो को लिया भी था मैंने, बट मैं चाहता हूँ अगर प्याटक खेले तो थोड़ा और अच्छा हो सकता है, देखते हैं, अभी मैं सेव कर रहा हूँ। ऑपोजिशन टीम की बात करें, देखिए उनके 2 मेन प्लेयर है, एक एम मुमुट नायर और एक नदाओ, और जाहिर सी बात है दोनों में से हम एक ही प्लेयर चुन सकते हैं, तो मेरी नज़र में नदाओ के लिए थोड़ा सा उम्मीद ज़्यादा है प्रदर्शन अच्छा करने की, तो इसलिए मैं नदाओ के साथ जाऊंगा। मिडफील्डिंग में बात करें, देन डी एलेक्सिक के बाद मैं सोच रहा था कोई और प्लेयर लें, लेकिन बड़ा सोचने के बाद मैंने पी सैंटोस ही चुना, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद सैंटोस चुना, हालांकि मैं सैंटोस को लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने बाकी प्लेयर देखे तो वो उससे भी बेकार प्रदर्शन कर रहे हैं इस सीज़न, सो मैंने कहा चल यार सैंटोस ही सही है, अगर इतना रिस्क लेना है तो फिर भाई मतलब डिफेंडिंग में क्यों ना लिया जाए, मिडफील्डिंग में क्यों नहीं, मतलब क्यों लें मिडफील्डिंग में। उसके बाद बात करें इस्तांबुल की टीम की, तो यहाँ पर है डैनिश तुरुक, तो तुरुक लास्ट मैच में स्ट्राइकिंग कर रहा था, आप ये लगा लो मैंने इस बंदे को पिछले मैच में ना कैप्टन रखा था ना वाइस कैप्टन, कितने लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन था ये, हम लोग बहुत ज़्यादा दलेरी में गए थे भाई और जीत के आए थे मैच। उसके बाद सरदर गलर खेला नहीं था, ऑस्डेमिर भी नहीं खेला, मतलब ऑस्डेमिर मैंने लिया नहीं है। एम क्रेस्पो की बात करें तो बहुत ज़्यादा रेयर गोल था इसका, 28 अक्टूबर को गोल नहीं, असिस्ट की बात कर रहा हूँ, गोल नहीं असिस्ट चाहिए थी सॉरी, और बाकी इनके मेरे को खास प्लेयर लगे नहीं। सो अगर आगे जाऊँ तो मैं 4 डिफेंडर लेने वाला हूँ, जिसमें चारों डिफेंडर बिलोंग्स फ्रॉम IBKS। पहला है जे ओपोकू, के बाद द नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है ओ कैमन, ठीक है, कैमन के बाद नेक्स्ट प्लेयर जो होगा वो है लियो, और लियो के बाद अगर लीमा खेला तो बढ़िया है, नहीं खेला तो बदल देंगे, बट अगर खेलता है तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत मुझे नहीं है, मैं लीमा के साथ भी जाने को रेडी हूँ। एंड गोल कीपिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर है जे स्लोविक, एंड कैप्टन की बात करूँ तो कप्तान है फिगुरेडो, वाइस कैप्टन के प्याटक, अगर प्याटक नहीं खेलता तो आप जे ओपोकू को पिछले मैच की तरह रख सकते हो अपना कैप्टन वाइस कैप्टन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।